यहाँ तक इतनी लड़ाई लड़ती है, हमारे से डिमक चढ़ जियो, यहाँ से हम उठेंगे नहीं, अपना हक लेके जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन अपना हक लेकर जाएंगे। जिसका जिसकी खटक लागे भी तरले में का हो है, और प्यारा मानस मूत निकल देखेगा बिचाओ है, और पेपर निकाल मचा बेचू हूँ, जमींदार भी बन गया, और सारी चीज अपने हाथ में ले ली, तो ये तो मंदारी है, कुछ नहीं है, अपना ये डोंगर चला है खाने का, सारे अपने भाई बढ़िया जगह सेट कर दिए, सब सोते ने सेट कर दिया, कोई भी चीज है सारी ये बेच दी ना, तो अरे भी नुका मन तंग ना करो, मैं सारी चीज और बेच दूंगा, या भी हमारे पास दबाव बना रहा है, यू है भाई मैं और सारी चीज बेच दूंगा, मेरे पास दबाव ना बनाओ, आग रहे हैं ये समझ रहे हैं बरसात हो जाएगी, ठंड है, ये अपने घर चले जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी अपने लाल बहादुर शास्त्री जो देश के लिए काम करके गए, उसने अपनी सारी सेवाएं बंद कर दी, कार में जाना बंद कर दिया, असेंबली तक पैदल जाते थे, नौकर हटा दिया, उसकी घरवाली खाना बनाती थी, एक ही लड़का था उसने अपनी गाड़ी चलाई, सारे भाई आ लीजिए, एक बगम आ दिए सकते सारे भाई आ जाओ, ले ले भाई सारे आने चाहिए, फिर मार बादल गरजते रहे, बारिश आती रही, सर्दियां बढ़ती रही, नारे गूंजते रहे, किसान अपने अनशन पर आज बैठे थे अपने आंदोलन के साथ, लेकिन सरकार कोई भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कुछ हमारे साथ किसान नेता है, इनसे हम बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। नौ दौर की बात हुई है सरकार के साथ, सभी असफल रही है, इस पर आपका क्या कहना है जी? पहले तो सभी साथियों से मेरा नमस्कार, जो इस पर कोई देख रहे हैं और आगे कोई और देखेंगे वीडियो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो, और मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा, मैं इसके बारे में यही कहूँगा भाई, इसको परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे, मोदी को, योगी को और खट्टर को, इनको शाह को भाई, ये इनके साथ ना लड़े, किसान के साथ जो भी लड़ा है उन्हें हार खाई है, कभी भी जहाँ भी जुआ इसके बच्चे सीमा पर हैं, ये यहाँ रोड पर हैं, दोनों मरण की जगह पर हैं, जो इनकी तरफ भी, दोनों की तरफ, जवान की तरफ और किसान की तरफ भी नहीं देखता, उसमें तो कोई बुद्धि नाम की चीज ना मानी। मैं इसी चीज को मैं ये कह रहा हूँ भाई, इसको परमात्मा सद्बुद्धि दे, ये 8-10 बार जो इन्होंने टाइम दे लिया है, ये इनको गुमराह कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं बरसात हो जाएगी, ठंड है, ये अपने घर चले जाएंगे, ये खेत में रहने वाले आदमी हैं, ये खेत में जहाँ लोग दिन में नहीं जा सकते, वहाँ सांपों के घर में ये रात को जाते हैं, पानी लगाते हैं, खार मारते हैं पानी में, ये तो लोग हर टाइम बाहर रहने वाले लोग हैं, ये समझ रहे हैं ये बाहर से, बारिश से भाई, सर्दी से या रहने इससे ये चले जाएंगे, ये जाने वाले नहीं है, चाहे इनको 6 महीने लग जाओ, और मैं तो और भी ज़्यादा इनको ये कहूँगा, जो आपको पूछ भी नहीं रहे, मैं ये कहना चाहूँ, चिट्ठी बनाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं लोग, पहले पत्र नहीं लिखा करते, वो पत्र लिखते थे लोग, भाई ये करना है, वो करना है, क्या किया है, सब ये सुनते थे, फिर चिट्ठी में 2 लाइन पीछे से लिखी जाती हैं, भाई थोड़ी लिखी को ज़्यादा समझना और गलती हो तो माफ़ करना, इसमें पूरे पत्र का पूरा जवाब है, जरा इसमें भी सारी चीज़ का पूरा जवाब है भाई, इस थोड़े ही आंदोलन को समझ रहा है कि छोटा ही है, ये छोटा नहीं है, मैं कहूँ सारा देश अपने बच्चे बीबियों को भी लेकर आने लग रहा है। जिस तरह किसान कह रहे थे कि हम 26 जनवरी को वहाँ पे परेड निकालेंगे, तो आपको लगता है वहाँ पे परेड कर पाएंगे किसान? नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, और तो कुछ नहीं होगा, आपने लेकिन करेंगे पक्का। आपने सर मीटिंग से पहले अभी यहाँ पे KMPL पे एक परेड की प्रैक्टिस की थी सरकार पर दबाव बनाने के लिए, क्या आपको नहीं लगा कि सरकार पर वो दबाव नहीं बना पाए यहाँ पे के? नहीं दबाव तो भी अगर देखा जाए तो हमारी और सभी मीटिंगें काफी लंबी चली, और ये मीटिंग काफी कम समय में सरकार ने खत्म कर दी, ये क्यों कर दी? कि पहली मीटिंग में जो बात हुई थी वही इस मीटिंग में पहले रखी गई किसानों की तरफ से, क्यों रखी गई? उस जो मीटिंग जहाँ से खत्म हुई है वहां से शुरू करेंगे, और जो ये तीनों कानून है भाई, इनको आप खत्म करोगे या ना करोगे उससे आगे की फिर बात करो, वो उससे नाट गए, वो कहने लगे इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, ये खत्म नहीं होते तो उठका गए भाई, नहीं होते तो फिर रहने दो, कोई बात नहीं है, लड़ाई चलती रहेगी। कितने लंबे समय तक?
जितने तक ये नहीं मानेंगे। सरकार को झुकाना ही अपना लक्ष्य है। सरकार तो झुकी बैठी, हम थोड़ा हाँ ये समझ रहे हैं भाई आत्मा ना मार के सीधी अंगली से की निकल जाए, लेकिन टेढ़ी करे बगैर ये मानते नहीं दिखते। आपको क्या लगता है अंकल जी, सरकार क्या मान जाएगी? सरकार मान जाएगी चाहे कितने दिन लगो, सरकार ने मानना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव 3 साल 2.5 महीने दे रहे बाकी, जब तक यही रहेंगे, जब तक ये नहीं मांगे, मतलब 2024 तक का। हाँ 24 तक यही बैठेंगे और 3 साल 2 महीने रह रहे बाकी बस। सरकार ये कह रही है कि इसके अंदर अगर हमको कुछ कमी लगती है तो हम कमियां दूर करेंगे, तो फिर कमियां दूर कर रही है सरकार, फिर कहाँ दिक्कत आती है? नहीं, कमियां पहले क्यों नहीं पूछा ना किसानों से? कमियां हैं जब ये तो बैठे हैं, इतनी पूरा भारत बैठा है, पूरे भारत के किसान आ रहे हैं, इसमें कोई हरियाणा पंजाब नहीं है, पूरा भारत का किसान नाराज हो गया इस बिल से। पहले इन्हें बिल लोकसभा में किसी से बात नहीं की, इन्हें अपने आप बिल पास कर दिया। और ये समझ रहे 370 और तलाक जैसी है भाई, ये भी दोबारा वो कहेंगे भाई इनको भी रद्द करो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं और वो किसानों के हक में सब, इसमें इस धाराओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान का वो पास कर दो, इसमें 370 का हमने कोई वो नहीं है। कानून तो बनाया है, बनाया इन्हें 16 में, कंपनी तो ठेके दिए 17 में। आपको ये नहीं लगता अंकल जी कि सरकार कह रही थी पहले से नारा दे थी कि 2022 में आ गए आय दोगुनी कर देंगे, 22 में आ गए आय दोगुनी, ये नहीं लगता कि कहीं ये था कि 2022 तक सभी ये वेयर हाउस बनकर तैयार हो जाएंगे? हाँ। और इस बिल को उस टाइम पे लागू कर देंगे? हाँ। ये सबसे पहले इसके हमारे द्वारा वीडियो भी है, इन्हें सबसे पहले आते ही पहली कलम से पहली बात ये कही थी मैं भाई सबके किसानों के कर्जे माफ करूंगा। फिर दूसरी बात इन्हें कही थी 15 लाख रुपये सबके खाते में आ जाएंगे। फिर तीसरी बात ये कही थी भाई मैं 1 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चों को मैं नौकरी दूंगा। उनमें से एक भी बात अगर सच्ची निकली हो तो मैं ये मानूंगा कि ये कानून ये हमारे उसमें हट जाएंगे। ये तो कोई दूसरी प्रवृत्ति का आदमी है, इसका पता नहीं था, अब सबने पता लग गया है। आगे ये इस लड़ाई में नहीं आ रहा तो दूसरी जो हमारे हाथ में आ जाएगी लड़ाई, हम उसमें हरा देंगे इसको। और ये बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, ये कह रहे था कल ट्रैक्टर पर हमारे पर किसी पर झंडा लग रहा होगा कोई, हमने नहीं पता कौन का, ये शरारती इनकी भी हो सके बीजेपी वाला की भी, एक झंडे पर तो ध्यान चला गया इनका, एक झंडा दूसरे देश का लग रहा था भाई, ये इतने झंडे 1 करोड़ 1 लाखों ट्रैक्टर आ रहे थे जो उन पर तो कोई घुसपैठ हो नहीं गई, एक झंडा अगर किसी ने कोई शरारत सूझ भी गई होगी या कोई इनका बीजेपी का भी आदमी हो सका है इसलिए वो भी तो लगा सका, वो तो उन्हें पकड़ लिया भाई बीजेपी, ये तो झंडा दूसरे देश का लगा रहे, कनाडा का लगा रहे या अमेरिका का लगा रहे, वहां से पैसा आ रहा है, इसलिए पैसा तो कहीं से हमारे बच्चों का पैसा है, बच्चे तो मारे जा रहे हैं वहां काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ भी खेती कर रहे हैं, वहां भी जाए खेती कर रहे हैं, वो कौन सा इंस्पेक्टर लग रहे हैं, वहां भी खेती करते हैं, जो भी जो काम मिलता है वो पैसा यहाँ अपने माँ बाप के लिए भेज देते हैं, तो इनका चुट क्यों लगते, ये भी तो लेते हैं 1500 करोड़ रुपये इन्होंने इनसे फिल्म में उससे ले लिए, किसी और एक्टर ने दे दिए, एक्ट्रेस ने दे दिए, एक दिन कंगना रनौत का छज्जा डल गया उसको तो 3-10 दिन तक उस पर चली सारी वो, अरे जमींदारा के लिए आज तक इन्हें नहीं पता, जमींदारा की आज तक नहीं बता रहा, बरसात भी होली सारी बात होली सब को हमने पता ही नहीं है, ऐसे अंधे जो ऐसा राजा हो उसको तो रहना चाहिए, अपने आप बस्ती पर दे देना चाहिए जी, वो निपटा नहीं सकता किसी काम को। जिस तरह आपने फंडिंग की ये कहते हैं कि विदेशों से फंडिंग आई है, फंडिंग क्या है, तुम्हारे बच्चे ने पैसे भेजे हमारे लिए, वो भूखे पैसे मिल रहे हैं बैठे हैं इनका ये कहना है कि इसके पीछे तो गैर विरोधी ताकते हैं, देश विरोधी। हाँ तो क्या है ये, अगर ये जो जींस पर रहे तो जमींदार ही नहीं है, हमारे तो फटे हाल देखना चाहते हमारे आदमी को, तो फटे हाल है तो इनका है, जो जींस पर ली वो खालिस्तानी है। चलो अंकल, जो अपनी ये थी 26 तारीख की जनवरी से पहले हमने इस मीटिंग से पहले यहाँ पे कैंपियल पे परेड की, तो इसके क्या आपको लगा कि सरकार पर दबाव बना पाए, क्योंकि ये मीटिंग सभी मीटिंगों से पहले खत्म हो गई, तो इस पर आप क्या कहोगे? ऐसा जी, वो कहने के लिए तो हमारे जो गए आदमी हैं वो कहेंगे, हम तो सिपाही हैं, जो हमारे को आदेश देंगे वो काम करेंगे, अगर हमको कहेंगे मोदी की कोठी हेर ले तो कोठी हेर लेंगे, वो बात करने तो उनसे करो, उसके बारे में हमें कोई पता नहीं, हमें तो यहाँ आने जाने के सेवा करनी, हम तो सिपाही लड़ाई लड़नी है, यहाँ तक इतनी लड़ाई लड़ती है हमारे से डिमक चढ़ जियो, यहाँ से हम उठेंगे नहीं, अपना हक लेकर जाएंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अपना हक लेकर जाएंगे। और जो ये कह रहे हैं नहीं पैसा,
पैसा हम किसी के जेब से नहीं ले रहे, पैसा हम अपने किलों से उगाते हैं। आपके पास एक किला है तो 200 रुपये ले लेंगे, किसी के पास 10 किले तो 2000 रुपये ले लेंगे। हम किसी से जमीन से पैसा ले रहे हैं, किसी से पैसा नहीं ले रहे, हम उसी से ला के अपना काम चला रहे हैं। और पूछो क्या पूछना है। जो मतलब कह रही है सरकार की इस बिल में जो कमियां है, हम वो कमियां दूर करेंगे, बिल कैंसिल नहीं करेंगे, तो फिर किसानों को क्या आगे कहाँ पर आकर ऐतराज होता है? ऐसा है सारा ऐतराज हमने तो भाई अनपढ़ आदमी बैठे कानून का हमने बेरा को नहीं। एक बात बता, मैंने किसी गोली मारनी नहीं, चक्कू मारना नहीं, मैंने दूसरे ही पराल में आग ला के शिकायतें करनी है, अगर मैंने पराल फूक दी है और उस पर 1 करोड़ रुपया जुर्माना आ जाएगा, मेरी दुश्मनाई लिखड़ जी, ना गोली चलानी ना कुछ, कौन सा कानून था भाई? बताओ मेरे से कानून तो नहीं ना, ये कोई कानून नहीं है तो भाई आजो। ये तो मतलब ये इस बात में मैंने भी जब ये कानून आया तब मैंने भी ये बात कही थी जो आपने कही, मैं इससे तो दुश्मनी निकालने का लिए गोली चलाने नहीं, किसी गोली मारनी उसकी प्राण में आग लाई और तूड़ा तो भूस बनाना तूड़ा उसमें आग लगाई, शिकायत करती 1 करोड़ रुपए जुर्माना हो गया, कहाँ से भरेगा बेचारा? 1 किलो होगा वो कहाँ से भरेगा, कहाँ से भरेगा, मर जाएगा। ये तो हमें बेचने को और मारने को तुलया, ये प्रजातंत्र का राज है, ये कोई इसकी जागीर नहीं प्रजातंत्र का। अरे 2.5 साल रह लेगा, 3 साल रह लेगा, यही बैठे रहेंगे हम तो 3 साल तक, इसका तख्ता पलट कर जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। कुछ यार दोस्त वे मेरे साथ बहस लगाते हैं बाद में कि कहते इसमें तो हरियाणा के नहीं, मैं कहता हूँ कि इसमें हरियाणा की है, तो इसको आप क्या कहोगे? भाई हरियाणा 70% हरियाणा भाई, पगड़ी बांध रहे, सोचा मैं सरदार थोड़ा ही है, पगड़ी तो हमने बांध भाई, टोटली हरियाणा पूरा 60%। एक बताओ मेरे गांव जोशी, अगर 4 आदमी 10 आदमी मेरे गांव के ना खड़े में दूसरा कोई घुस जाएगा, पंजाब वाले कैसे आ जाएंगे हरियाणा में? हरियाणा तब खड़ा तभी तो पंजाब यहाँ घुसा है, कोई दूसरे गांव में जाएगा, दूसरे गांव वाला लेके जाएगा तभी तो गांव में बढ़ेगा। हमने पंजाब वालों का साथ दिया तब पंजाब वाले यहाँ आए। और पूछो भाई, MSP के लिए आप कह रहे हो सर कि MSP परमानेंट लागू होना चाहिए, लेकिन MSP आज तक देखा जाए तो संविधान में परमानेंट लागू नहीं है, वो सिर्फ एक प्रक्रिया है खरीद की, कोई लिखित कानून नहीं है MSP आज तक भी, और अब किसान क्यों ओढ़ रहे कि इसको MSP लिखित कानून बना दिया जाए? भाई बात नो है मेरी बात, गवर्नमेंट ने जो लेना ले लो मारे पे, ना लेना हमने दलाला का तो बेचो ना, गन्ना सारा ले ले मिल मारे, फिर आज हम UP तक गिर दे, जो न लेना ले लो, पीछे मिले नहीं आते नहीं, पीछे भी ना मिलो ना मिलो, गवर्नमेंट क्यों मारे पाबंद कर रही है हम नहीं खरीद करेंगे, फलाना नहीं करेंगे, जितनी ना जरूरत तो खरीद लो। अरे प्रधानमंत्री थे अपने लाल बहादुर शास्त्री, जो देश के लिए काम करके गए, उसने अपनी सारी सेवाएं बंद कर दी, कार में जाना बंद कर दिया, असेंबली तक पैदल जाते थे, नौकर हटा दिया, उसकी घरवाली खाना पड़ाती थी, एक ही लड़का था उसने अपनी गाड़ी चलाई, कार लेकर चला गया ड्राइवर ने, तो गाड़ी का मीटर चेक करा, अब कितने किलोमीटर चली कितने, तभी उसकी माँ को कहा अगे गवर्नमेंट की गाड़ी मेरी गाड़ी नहीं है, ये इतना पैसा गवर्नमेंट के खाते में डाल दो। प्रधानमंत्री तो वो थे, देश भूखा मर रहा था, अन्नदाता ने दूसरे देश से अमेरिका ने नाच बंद कर दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने एक ही कहा था, आंकड़ा लगवा था, अगर एक दिन व्रत रखो अपना देश भूखा नहीं मरेगा। अरे ये कहा जाता है 2-2 करोड़ के सूट बेचता है, कभी चाय का व्यापारी बन जाता है, कभी सूटों का व्यापारी बन जाता है, अरे ये कहा कर प्रजातंत्र राज है, तो ये सारा किसान नहीं है, पेंट वाला किसान नहीं है, अपने आप 10 लाख का सूट भरता है, 1.5 लाख का पेन रखता है, वो तो प्रधानमंत्री को रख सका है, हम जमींदार हैं उनको तो बताता है, राजनीतिक आदमी है वो, जो सा राजनीति करे वो क्या, मैं जमींदार हूँ, वो जमींदार कहा अपने आप को, वे तो उनको भी जमींदार बताओ जो कृषि मंत्री बन रही है, हाँ उनको तो अपने आप को भी बतावा है, अरे पहले निकल मैं चाह बेचू हूँ, ये जमींदार भी बन गया, अरे सारी चीज अपने हाथ में ले ली, तो ये तो मंदार ही है, कुछ नहीं है अपना, ये डोंगरा चला है खाने का, सारे अपने भाई बढ़िया जगह सेट कर दिए, सब सौदे ने सेट कर देगा, रेल ने बेच दी, रिलायंस ने बेच दिया, देश ने बेचने वाला हो रहा है, इन लोगों ने और बेच देगा थोड़े दिन में, तो इसलिए बता रही, और रेल बेच दी, कोई भी चीज है सारी ये बेच दी ना, तो रिब न्यू का मैंने तंग ना करो, मैं सारी चीज और बेच दूंगा, या भी हमारे पास दबाव बना रहा है, यू मैं और सारी चीज बेच दूंगा, मेरे पर दबाव ना बनाओ। जो ये सुप्रीम कोर्ट में तारीख है, इस आपने क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है ये नहीं कुछ भी, वो भी है कि ना कर रहे हैं भाई, ये पार्टी बन जाएगी, जमींदार पार्टी बने जाएंगे, फिर कितने दिन में तारीख आओगी,
सुप्रीम कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं इसमें। सुप्रीम कोर्ट पर चलाएगा तो हम एजिटेशन नहीं कर सकते, एजिटेशन तो हमारा हक है जाता, इसलिए हम कर रहे हैं। वोट तो हम चैलेंज भी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट को कौन चैलेंज करता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं किए हैं। तो सब आज तक का ऐसा प्रधानमंत्री कोई नहीं बना जो सुप्रीम कोर्ट भी छोटी कोर्ट भी बड़ी भी सब सेना भी सब सौदा ही इसका हो गया। सेना पर राजनीति कर, आज तक सेना किसी ने राजनीति करी थी? जिसका जिसकी खटक लागे भीतरले बगा हुआ है और प्यारा मानस मुद्र नहीं बोल रहा, देखेगा भी चाओ तो देखेगा ही चाओ। हमने तो ऐड एजिटेशन आदि खरी समय चाओ रे और मारी ठीक है। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लागी कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।